नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा लाल आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिलेंडर फोर्स। दोस्तों, हाइड्रोलिक सिलेंडर का फोर्स कैसे निकालेंगे, कितना टन वो फोर्स दे रहा है और हम कितना प्रेशर देंगे तब कितना हमें फोर्स मिलेगा और उसका डाया कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में मैं आपको बताऊँ, उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। वह जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल पे बटन नहीं दबाया, वो नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन ज़रूर दबाएं और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिलेंडर फोर्स। दोस्तों, मैंने एक सिलेंडर लिया है, अब हम डिसाइड करते हैं, सपोज करो कि इसका डाया कितना है। यहाँ से यहाँ तक ये मैंने 100 mm ले लिया है, यानी 100 mm मैंने इसका डाया ले लिया है। ये मेरा एक सिलेंडर है जिसका 100 mm बोर्ड आया है, यानी इसका जो आर आएगा वो आ गया 50 mm, और ये हो गया था आपका डी डाया था, इसका आर हमने ये ले लिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका फार्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है। इसको निकालने के लिए हम लेते हैं फोर्स इक्वल प्रेशर इनटू ए, यानी ये ए क्या है, अपना एरिया है। एरिया यानी बोले तो ये एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। और प्रेशर हो गया हमारा, जो हमारा रिलीफ वाल्व या पंप के द्वारा मैक्सिमम कैपेसिटी हमने जो लेनी है वो हम ले सकते हैं, तो वो हमारा प्रेशर हो गया। अभी हमें फोर्स निकालना है, तो सपोज करो दोस्तों ये हमारा आर निकाल लेंगे हम, सिलेंडर हमारा 100 mm डाया का है और प्रेशर हमारा हमने 160 kg का स्क्वायर सेंटीमीटर का हमने प्रेशर ले लिया है, ये हमारा पी है। अभी हमें ए निकालना है, तो ए के लिए हम क्या करेंगे, ए का फार्मूला होता है पाई आर टू, यानी पाई आर टू। तो अब पाई का मान सबको मालूम है 3.14। तो दोस्तों, अभी मैं क्या करूँगा, फोर्स के इक्वल में क्या रखूँगा, प्रेशर मेरा कितना है 160 मल्टीप्लाई एरिया क्या है मेरा पाई, आर क्या है 50 mm आया था, उसको हम सेंटीमीटर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो इसका भी हम सेंटीमीटर बना लेंगे। तो ये हमारा सेंटीमीटर कितना आ गया, 50 mm इक्वल 5 cm, तो इसको हम ले लेंगे 5 × 5। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 12560। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये मिस्टेक हो, बट 12560 आ गया। ये क्या आया है, ये हमारा आया केजी। ठीक है दोस्तों, अभी एक टन के अंदर कितना केजी होता है, 1000। अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर हमें टन में निकालना, ये हमारा फोर्स आ गया, इतना फोर्स हमारा देगा कब देगा, जब 160 आपका पी होगा प्रेशर होगा और इतना आपका एरिया होगा। तो दोस्तों, अब हमें फोर्स अगर केजी में निकालना है तो ये आ गया, और टन में निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, यानी 1000 से, 1 2 3 2 3, यानी ये आ गया। अब आप कह सकते हैं कि फोर्स आपका कितना है, 12.5 टन। तो ये जो सिलेंडर है 100 mm डाया का, वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 160 kg प्रेशर देने पे आपको 12.5 टन का फोर्स देगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कैलकुलेशन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आई है। और अगर आप लोगों को ये लगे कि ये फॉरवर्ड में आपको इतना देगा, अब एक दूसरी बात और आएगी कि रिवर्स में भी क्या इतना देगा, रिवर्स में इतना नहीं देगा। रिवर्स में क्यों नहीं देगा, क्योंकि एक एक रोड आ गई बीच में, पिस्टन रोड। आपको क्या करना है, सपोज करो पिस्टन रोड कितने की है, ये 100 है उसका था, सपोज करो ये 25 mm की है या 30 mm की है, तो ये कितना हो गया, 1.5 cm का इसका आर आ जाएगा। ऐसे ही आप एरिया निकाल करके और उसको माइनस कर देना, कितने में से, इसमें से, इसमें से। अगर आप इसको, इसका जो फोर्स आएगा इस साइड का, वो जब ये वाला एरिया निकाल करके और उसके अंदर से माइनस कर दोगे एरिया को, तो आपका ये इस साइड से कितना फोर्स लग रहा है वो भी आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि वो कम आएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये माइनस हो जाएगा। तो
दोस्तों ये तो था आज सिलेंडर ऑफ कैलकुलेशन। तो धन्यवाद।